कुशीनगर जिलाधिकारी एस राजलिंगम द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM कसिया भी उनके साथ पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने जलभराव की समस्या के बारे में पूछा। जहां जहां जलभराव था वहां उन्होंने निरीक्षण भी किया तथा जलजमाव की समस्या के समाधान की भी योजना के बारे में उन्होंने पूछताछ की। संदर्भ में एक बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मैप के माध्यम से जिलाधिकारी को पूरा डिटेल बताया। रास्ते, बारिश, पानी, जलजमाव तथा जल निकासी हेतु योजना के बारे में चर्चा। जिलाधिकारी ने संदर्भ में ब्लॉकेज तथा अतिक्रमण के बारे में भी जानकारी ली। पानी निकासी के संदर्भ में उन्होंने जल निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सिंचाई विभाग तथा अधिकारियों से सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यह भी कहा कि जो भी समाधान किए जा रहे हैं वो सब स्थायी होने चाहिए। जिलाधिकारी ने तकनीकी पहलुओं को भी जानकारी ली। जल निकासी की समस्या के समाधान के क्रम में उन्होंने पूछा कि क्या जल निकासी से आसपास के खेतों में पानी की समस्या या बाढ़ की समस्या तो नहीं आएगी। उन्होंने इस संदर्भ में कमेटी का गठन का निर्देश दिया जिसमें PWD, बाढ़ खंड, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम तथा एयरपोर्ट प्राधिकरण के द्वारा नामित कोई इंजीनियर शामिल होंगे। उस कमेटी को एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट बनाकर पेश करने को कहा गया है। इसके बाद जिलाधिकारी ने जलजमाव की समस्या का स्थलीय निरीक्षण करके देखा तथा इस संदर्भ में विवादित बयानों का भी समाधान की चर्चा की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री सचिंद्र पटेल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसिया, SDM पूर्ण बोरा, जल निगम के अधिकारी आदि सभी अधिकारी मौजूद रहे। R9 भारत के लिए सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट, गोरखपुर। जिलाधिकारी एस रामलिंगन ने आज ADJ एवं माननीय चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक के साथ आज देवरिया जेल का निरीक्षण किया। जेल परिसर में जाकर उन्होंने कैदियों के लिए बने हुए खाने का निरीक्षण किया। किस्सा कक्ष में गए, रोगियों से मिलने व उनसे पूछताछ की तथा जेलर से संदर्भ में पूरी जानकारी ली। वे रोगी कक्ष भी गए जहां पर उन्होंने रोगी कैदियों के बारे में भी आवश्यक जानकारी लेते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी उच्च अधिकारियों ने कैदियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। कैदियों से जिलाधिकारी ने बात की और पूछा कि यहां पर अस्पताल की कोई दिक्कत तो नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा इस समय से मिलती है कि नहीं। माननीय ADJ एवं मुख्य न्यायिक अधिकारी ने सभी कैदियों से उनके मामले में विधिक पहलुओं के बारे में पूछताछ की, उनसे जमानत के संदर्भ में जानकारी ली तथा उनका समाधान भी बताया। उन्होंने कुछ कैदियों के आवेदन भी स्वीकार किए तथा जेलर के माध्यम से सभी को दरखास्त भिजवाने का भी बात कही। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने कैदियों के टीकाकरण की स्थिति के बारे में पूछा, कितने लोगों का टीकाकरण हुआ है, कितने लोग बचे हैं आदि की जानकारी दी। सभी उच्च अधिकारी महिला बैरक में जाकर महिला कैदियों से मिले। महिला कैदियों के साथ छोटे बच्चों के बारे में पूछताछ की और उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी पूछताछ की। बच्चों को पोषाहार मिलता है कि नहीं इस संदर्भ में भी पूछा गया तथा महिला कैदियों की समस्याएं जानी। बच्चों को नियमित टीकाकरण के लिए भी जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूछताछ की गई। खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं, बीमारी के संबंध में उचित दवाएं मिलती हैं कि नहीं, कोरोना का टीका लगा है, उनके खाने पीने का निरीक्षण भी किया गया। वैसे कैदी जिसके कोई रिश्तेदार नहीं है उनके बारे में भी सरकारी वकील को व्यवस्था करने को जाना गया। इस अवसर पर माननीय ADJ जिलाधिकारी एस राजलिंगम व माननीय PGM श्री रविकांत यादव एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। R9 भारत के लिए सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट, गोरखपुर।